हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री के पेपर को। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है, ये वीडियो उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का पेपर लास्ट ईयर किस तरीके से आया था, कितने शॉर्ट वहां पर आए थे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन वहां पर दिए हुए थे। हम यहां पर क्वेश्चन पेपर को ही डिस्कस करने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको इस तरीके का क्वेश्चन पेपर ही एग्जाम में मिलने वाला है। पेपर कोड की अगर हम बात करें तो पेपर कोड यहाँ पर लास्ट ईयर था 42701। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है 2021-22 का। और ये जो हमने क्वेश्चन पेपर लिया है, ये एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है और पेपर नेम की अगर हम बात करें तो पेपर नेम है हमारा एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी। ये हमारा पेपर नेम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है। टाइमिंग आपको दी है 3 आवर्स की, मीन 3 घंटे का आपको एग्जाम में टाइमिंग मिलेगा। और मैक्सिमम मार्क्स जो होने वाले हैं वो 75 मार्क्स यहाँ पर होने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड होगा, जिसमें पहला सेक्शन हो जाता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, मीन अति लघुतरीय प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कहा है अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, मीन आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 के 5 क्वेश्चन करने होंगे और 1 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए थे। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्धा, मीन महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिया है कॉज ऑफ फॉल ऑफ नंदा डिनेस्टी, मीन नंद वंश के पतन के क्या कारण थे। आपको नंद वंश के पतन के कारणों के बारे में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 यहाँ पर दिया हुआ है गंधरा आर्ट ऑफ एकल्पचरण, मीन गांधर मूर्ति कला के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये शॉर्ट नोट आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है हर्षवर्धन, आपको हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पर लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा जाना है। इसके बाद एक और दिया हुआ यहाँ पर स्ट्यूपा, स्ट्यूपा मतलब का मतलब है स्तूप, आपको स्तूप के बारे में यहाँ पर वर्णन करना होगा। तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं, 5 के 5 ही आपको ये करने होंगे। इसके बाद सेक्शन बी की तरफ चलते हैं तो सेक्शन बी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, सेक्शन बी हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, मीन लघु होती है प्रश्न का ये सेक्शन दिया हुआ है। नोट में यहाँ पर लिखा है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क्स। आपको यहाँ पर कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे और 1 क्वेश्चन जो होगा वो 7.5 मार्क्स का होने वाला है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये भी देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, मीन प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। प्राचीन भारत के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखने होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अशोका धामा, मीन अशोक के धम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है वाई गुप्ता एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मीन गुप्त काल को भारत इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस एग्जाम में भी ये मिल सकता है गुप्त काल के बारे में। तो यहाँ पर आपको गुप्त काल को स्वर्ण युग मीन गोल्डन एज क्यों कहा जाता है इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये शॉर्ट में 3 क्वेश्चन दिए थे, 3 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने थे।
इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, मीन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। नोट में देखते हैं क्या लिखा है। नोट में कहा है यहाँ पर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का होने वाला है, मीन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक प्रश्न जो है वो 15 अंक का होगा। देखते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्राइब द सेलियंट फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, मीन हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन करना है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये दिया हुआ है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, आप दोनों में से कोई सा ही कर सकते हैं। एक और यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्रो लाइट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, मीन ऋग्वेदिक काल की सामाजिक और आर्थिक दशा पर प्रकाश डालिए। जो ऋग्वेदिक काल था उसमें क्या सामाजिक और आर्थिक दशा थी उसके बारे में आपको ये लिखना है, या फिर आप हड़प्पा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, मीन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है इवेल्यूट द अचीवमेंट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मीन मौर्य प्रशासन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। जो मौर्य प्रशासन में उपलब्धियां थी उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अथवा करके यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इवेल्यूट द चंद्रगुप्त मौर्य एज ए रूलर, मीन एक शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन आपको यहाँ पर करना है। उनके बारे में लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि वे किस प्रकार से एक अच्छे शासक थे। तो यहाँ पर भी आपको दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर कहा है डिस्क्राइब ब्रीफली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चालुक्या टू द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस आर्किटेक्ट इन साउथ इंडिया, मीन दक्षिण भारत के धार्मिक स्थापत्य के विकास में चालुक्यों के योगदान का संक्षेप में वर्णन करना है। मीन दक्षिण भारत में जो धार्मिक स्थापित किया गया था, मीन धार्मिक मंदिर वगैरह या मूर्तियां वगैरह जो वहां पर धार्मिक चीजें बनाई गई थी, तो चालुक्यों का क्या योगदान था उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। अथवा करके यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। कहा है डिस्क्राइब द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ मुस्लिम इन्वेशन एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, मीन 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की सामाजिक और राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। मीन 12वीं शताब्दी में जब मुस्लिम आक्रमण हुआ था उस समय भारत की सामाजिक और राजनीतिक दशा क्या थी, आपको यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको तीन लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए थे, तीन के तीन आपको यहाँ पर करने होंगे, मीन अथवा में से आपको कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर करना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।